ओके स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चनर के साथ ही शुरू करेंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा आएगी। ठीक है, सो लेट्स गो। अभी हम क्वेश्चनर शुरू करने वाले हैं, हम आज डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर देखने वाले हैं इस क्वेश्चनर सेशन के अंदर, साथ साथ में हम देखने वाले हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेक्शन नंबर 196 और 203 के क्वेश्चन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन है, मिस्टर कॉन्फिडेंट इज अ प्रमोटर ऑफ फ्यूचर लिमिटेड, ही वॉन्ट्स टू मेक अ डिसीजन इन एट अ फ्यूचर लिमिटेड फॉर आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी एज ही इज नॉट विलिंग टू होल्ड एनी शेयर्स और डायरेक्टरशिप ऑफ द कंपनी। वो डिसीजन मेकिंग करना चाहता है फ्यूचर लिमिटेड के अंदर, और वो प्रोमोटर है और वो कोई भी टाइप का शेयर या डायरेक्टरशिप होल्ड करने के लिए रेडी नहीं है। Few creditors and shareholders questioned his position that he must be shareholder of the company and director as he is a promoter for making a decision. State whether the contention of the shareholders is right. Also state whether Mr. Confident can make a decision from outside the company as a director. So, क्या ये outside the company से decision making किया जा सकता है? तो सिंपल सी बात है, जो भी बंदा आउटसाइड कंपनी से डिसीजन मेकिंग करता है हम उसको डीम्ड डायरेक्टर कहते हैं। हालांकि डीम्ड डायरेक्टर का कंसेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं है, 2013 के डेफिनेशन में नहीं है, 1956 कंपनीज एक्ट के डेफिनेशन में ये था, 2013 के डेफिनेशन में ये कंसेप्ट नहीं है, पर ये रियलिटी है। और ये रियलिटी है, डीम्ड डायरेक्टर अभी भी एग्जिस्ट करता है, दैट्स व्हाई सब्सटेंस इज ऑलवेज ओवर फॉर्म, रियलिटी विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर लीगैलिटी। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब रियलिटी लीगैलिटी के ऊपर प्रिवेल करेगा, तो डीम डायरेक्टर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर सकता है। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन हुआ 234 का। प्रमोटर नीड नॉट बी अ डायरेक्टर और मेंबर, ही कैन बी एट हिज विल इफ ही विश ऑफ द कंपनी फॉर मेकिंग अ डिसीजन, एंड इफ ही मेक्स अ डिसीजन ही विल बी कंसिडर्ड एज अ डीम्ड डायरेक्टर। हम प्रमोटर ने अगर डिसीजन मेकिंग किया तो उसे डीम्ड डायरेक्टर कहेंगे। हालांकि मैंने आपको एक क्लियर करवाया था लेक्चर के अंदर कि प्रमोटर को मेंबर होना जरूरी नहीं है, प्रमोटर को डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है, डायरेक्टर को मेंबर होना जरूरी नहीं है, और ना ही मेंबर को प्रमोटर या डायरेक्टर होना जरूरी है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये मैंने आपको लेक्चर में क्लियर करवा था, इस चीज को याद रखना। पर्सन मेकिंग अ डिसीजन टू द कंपनी फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी इज कॉल्ड एज डीम्ड डायरेक्टर। जो डिसीजन मेकिंग करता है आउटसाइड से उसी इसको हम डीम्ड डायरेक्टर कहते हैं। इन द गिवन केस द डिस्कशन इज एज फॉलोज, मिस्टर कॉन्फिडेंट डू नॉट वॉन्ट टू बी अ डायरेक्टर और अ मेंबर ऑफ द कंपनी, ही जस्ट वॉन्ट टू मेक अ डिसीजन फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी। तो ऐसे सिचुएशन में द डिसीजन फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी इज अलाउड एज अ डीम्ड डायरेक्टर। कंटेंशन ऑफ क्रिएटर और द शेयर होल्डर इज रॉन्ग इन लॉ। बेसिकली मिस्टर कॉन्फिडेंट मेक अ डिसीजन फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी, देन ही विल बी कॉल्ड एज डीम्ड डायरेक्टर, और ऐसे सिचुएशन में वो खुद के डिसीजन के लिए लायबल भी हो सकता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? या फिर उसने जिसके थ्रू कंपनी में डिसीजन लिया है, जिस प्यादे के थ्रू कंपनी में डिसीजन लिया है, वो लायबल हो सकता है। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। मिस्टर जुगाड़ू, ये पहला क्वेश्चन अच्छा था, हालांकि ये मैंने ही बनाया हुआ क्वेश्चन है जानबूझ के, क्योंकि डीम डायरेक्टर के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था तो मैंने जानबूझ के दिया था। ठीक है, मिस्टर जुगाड़ू इज अ डायरेक्टर ऑफ लाइफ लिमिटेड, मिस्टर जुगाड़ू वांटेड अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन द नेम ऑफ लाइफ लिमिटेड। ठीक है, मिस्टर जुगाड़ू सबमिटेड अ टेंडर टू अ गवर्नमेंट ऑफिस विथ अ ब्राइब ऑफ 2 लाख रुपीज। अब नॉर्मली गवर्नमेंट टेंडर जब हम सबमिट करते हैं तो वो इतने जल्दी एक्सेप्ट नहीं होते, आपको घूस वगैरह देनी पड़ती है। तो जुगाड़ू ने लाइफ लिमिटेड के लिए 2 लाख की घूस पे की। ठीक है, 2 लाख की घूस पे की, एंड टेंडर वॉज एक्सेप्टेड, टेंडर एक्सेप्ट भी हो गया घूस देने की वजह से। कंपनी रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 20 करोड़ रुपीज, आउट ऑफ विच कंपनी मेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2 करोड़। कंपनी को 20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसमें से कंपनी ने प्रॉफिट किया 2 करोड़ रुपीज का बेटा। ठीक है, मिस्टर जुगाड़ू क्लेम्ड हिज 2 लाख फ्रॉम द कंपनी। जुगाड़ू ने 2 लाख रुपए क्लेम करना चाहे कंपनी से जो उसने ब्राइब पे की थी उसके लिए। अदर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिनाइड द रीएम्बर्समेंट ऑफ द एक्सपेंसेस सेइंग इट एज इट इज नॉट अलाउड इन लॉ। मिस्टर जुगाड़ू मेड अ कंटेंशन दैट बिकॉज ऑफ सच अ ब्राइब कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2 करोड़, सो ही हैज अ राइट टू क्लेम सच एक्सपेंसेस बैक। स्टेट हुज कंटेंशन इज राइट, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही बोल रहे हैं या जुगाड़ू सही बोल रहा है? सवाल मस्त है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मुझे बताओ किस चीज के ऊपर डिपेंड सवाल है? यह सवाल डिपेंड है बच्चों डायरेक्टर एज एजेंट के ऊपर। डायरेक्टर की पोजिशन हमने देखी थी ना, सो डायरेक्टर एज एन एजेंट, और डायरेक्टर एज एजेंट के अंदर यह बोला गया है कि नॉर्मली डायरेक्टर एजेंट है और कंपनी प्रिंसिपल है। डायरेक्टर एजेंट होता है, कंपनी प्रिंसिपल होता है, यह हमने ऑलरेडी लेक्चर्स के अंदर देखा है। डायरेक्टर जब एजेंट होता है या कंपनी, जो क्वेश्चनर सेशंस देख रहे हैं उनको थोड़ा सा उनका सेल्फ स्टडी का बुक वगैरह मेंटेन करके उसको देखना पड़ेगा, अगर उसमें कंसेप्ट दिया होगा तो, नहीं दिया होगा तो
मैं क्या करूं, मैं सिर्फ शॉर्ट में बता सकता हूं. डायरेक्टर एजेंट होता है, कंपनी प्रिंसिपल होता है. सो डायरेक्टर जो भी काम करे उसके लिए कंपनी लायबल रहेगा. पर अगर डायरेक्टर इलीगल काम करता है तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होता. यहां पे ब्राइब देना, यहां पे ब्राइब देना, घूस देना इज बेसिकली इलीगल एक्ट. इस एक्ट को अगर हम देखें तो इट इज इलीगल. और अगर यह एक्ट इलीगल है तो इस एक्ट के लिए डायरेक्टर पर्सनली लायबल तब होता है जब डायरेक्टर इलीगल एक्ट करता है. तो इसके लिए डायरेक्टर पर्सनली लायबल है. तो भले ही इससे कंपनी को प्रॉफिट क्यों ना हुआ हो 2 करोड़ का, डायरेक्टर इसको क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि ये इलीगल एक्ट है. तो डायरेक्टर पर्सनली ही लायबल होगा. तो यहां डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी, डेफिनेशन लिख दिया मैंने. इन अ सब्सटेंस डायरेक्टर होल्ड मेनी पोजिशंस, इन अ सब्सटेंस डायरेक्टर होल्ड मेनी पोजिशंस एज द कंपनी एट द सेम टाइम सच एज एजेंट, ट्रस्टी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, एम्प्लॉय, मैनेजिंग पार्टनर, मेंबर. इसमें से एजेंसी काम का है. आउट ऑफ द अबव पोजीशन, द पोजीशन ऑफ एजेंट इज कवर्ड इन द क्वेश्चन. फॉर एनी एक्ट डन बाय डायरेक्टर कंपनी विल बी लायबल एक्सेप्ट फॉर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. यही चीज मैं आपको बोल रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर, डायरेक्टर की पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए वो खुद लायबल है. कॉन्ट्रैक्ट विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ कंपनी वो लायबल है. या लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को आपने अल्टर कर दिया तो भी डायरेक्टर खुद लायबल है. क्लियर है कांसेप्ट? एक्सप्लेनेशन, इन द गिवन केस is discussed as follows. Mr. Jugadu paid a bribe to a contract for a contract of company which made a profit of 2 crore for the company. But above bribe paid by director is illegal contract. Above bribe paid is a illegal contract. Even though such a contract earned profit for a company or not is irrelevant. इससे कंपनी को प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ ये irrelevant है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, इलीगल चीज तो इलीगल ही है ना. सो मिस्टर Jugadu विल बी पर्सनली लायबल फॉर सच अ ब्राइब एंड कैन नॉट क्लेम अ रिफंड ऑफ द सेम. आंसर, कंटेंशन ऑफ द अदर क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी इज राइट दैट मिस्टर Jugadu शॉल नॉट रिसीव द रिफंड ऑफ द ब्राइब. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? उसको कोई भी ब्राइब का रिफंड नहीं मिलेगा. कंसेप्ट समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? चलो गुड, अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं. दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे देखे, दोनों मैंने ही बनाए हैं. आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना. अगला, डेफिनेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, 2 सबसेक्शन 54 के ऊपर सवाल है. साथ में 196 रेफर करने वाले हैं. क्लियर है कंसेप्ट? और ये 196 थर्ड चैप्टर से बिलोंग करता है, बट एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का बेसिक कंसेप्ट 196 में है पहले, इसलिए क्वेश्चनर में इसके कवर कर रहा हूं. ठीक है, लेट्स गो. मे 17 का सवाल है. There are 4 directions in 2 Squares Limited. 4 directors, sorry, in 2 Squares Limited. Mr. Rao, being a director in a station, has been authorized to draw and endorse a check or other negotiable instrument on account of company and also direct the registration of transfer of the shares and signing the share certificate, etc. Whether, देखो क्या क्या दिया है? Endorse a check, negotiable instrument, रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर. मैंने आपको डेफिनेशन में ऑलरेडी बोला था कि जो लोग एंडोर्समेंट ऑफ चेक, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करना, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर ऑफ शेयर करना, ये काम करते हैं, हम उनको मैनेजिंग डायरेक्टर्स नहीं कहते. क्लियर है? इसके एडिशन में अगर वो सब्सटेंशियली मैनेजमेंट पावर होल्ड कर रहे तो मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, बट ऐसे काम करने की वजह से आप मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होते. डेफिनेशन के एक्सप्लेनेशन में ही बोला है. ही विल बी ट्रीटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. वेदर ही विल बी ट्रीटेड मैनेजिंग डायरेक्टर, नो. ऑल्सो नैरेट द प्रोसीजर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. तो 254 और 196 ये हम प्रोविजन के अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. क्लियर है कांसेप्ट? और फिर उसके बाद में हमारा आंसर देखिएगा, काफी अच्छा आंसर लिखा है ये. पहले तो मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर के डेफिनेशन 254 वाली मेंशन की, उसके अंदर मैंने मेंशन किया एक्सप्लेनेशन में कि भैया 254 में नीचे दिए गए रूटीन नेचर के फंक्शंस हम कवर नहीं करते, उसे मैनेजिंग डायरेक्टरशिप नहीं कहते. जैसे कॉमन सील लगाना, चेक एंडोर्स करना, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देना, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर अलॉट करना या ट्रांसफर ऑफ शेयर करवाना, इन चीजों के वजह से आप मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनते. राव डायरेक्टर इन टू स्क्वायर हैज बीन ऑथोराइज टू ड्रॉ एंडर्स द चेक, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीजें उनको बोली है. हेंस According to 254, Mr. Rao will not be treated as managing director of the company as he is authorized for administrative acts only. Rao will not be treated as managing director of company, जिसके लिए authorized act है. Procedure for appointment of managing director 196(4) में कुछ ऐसी है, जिसके अंदर हमें 197 section और schedule 5 के हिसाब से appointment करना पड़ेगा. ये तो सबको पता है. 197 में remuneration discuss किया जाता है. फिर उसके बाद में अप्रूवल लगेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, सबसे पहले रिकमेंडेशन के लिए, और नेक्स्ट जनरल मीटिंग में हमको
जनरल मीटिंग का अप्रूवल लगेगा, क्लियर है। अब जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन 21 से 70 एज के लिए और जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन 70 के अबाउ। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग का फेल होता है, ये अमेंडमेंट आई थी, 70 के एज के अबाउ जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन फेल होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम जीएमओआर प्लस सीजे अप्रूवल से ये कर सकते हैं। साथ में ये अपॉइंटमेंट शेड्यूल 5 के हिसाब से होनी चाहिए, नहीं हुआ तो अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लेना पड़ेगा। अब यहां पर कुछ डिटेल्स जानबूझ के मेंशन नहीं किए, पर आप लिख सकते हो 90 डेज के अंदर आपको सीजे अप्रूवल चाहिए। फॉर्म नंबर है आपका MR2 और सेक्शन नंबर है 201। क्लियर है कांसेप्ट सबको? हाँ है ना। और यहां पे आप मेंशन कर सकते हो जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फॉर एज ऑफ 21 टू 70 और जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर ऑर्डिनरी प्लस सीजी फॉर एज अबव 70। ये दो चीजें आपने यहां पे मार्क करके रखनी है। क्लियर है कांसेप्ट सबको? हाँ है ना। द नोटिस कन्वेयरिंग द बोर्ड मीटिंग कंसीडर द अपॉइंटमेंट इंक्लूड्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट। जो भी नोटिस आप अपॉइंटमेंट के दे रहे हो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अपॉइंटमेंट के लिखे होने चाहिए। नीचे ई फाइलिंग के लिए फॉर्म नंबर MR1 और फिर MR2 90 डेज में सेक्शन नंबर 201 के अंदर आपको फाइल करना है सीजी अप्रूवल के लिए, अगर आप शेड्यूल 5 को कंप्लाई नहीं कर रहे तो। क्लियर है कांसेप्ट? मैं चाहूंगा एक बार इस आंसर के ऊपर नजर घुमाइए, अच्छा आंसर है, प्रोसीजर भी है और 254 भी है, तो ये क्वेश्चन काम का है। मैं इसको भी स्टार मार्क करके रखना चाहूंगा, पहले तीन सवाल ही हम स्टार मार्क कर रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज रीड इट वन मोर टाइम, गो फॉर इट फास्ट। चलो डन एवरीबॉडी, पढ़ लिया सबने। अब मैं जा रहा हूं अगले क्वेश्चन के ऊपर, हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन था ये, ठीक है। प्रैक्टिस मैनुअल तो रहा नहीं, क्वेश्चन रह गया। अ कंप्लेंट वॉज रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम सम शेयर होल्डर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी दैट अ पर्सन हैड बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विदाउट सीकिंग अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हेन सच अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। सवाल है सीजी का अप्रूवल कब रिक्वायर्ड लगता है बच्चों, सीजी का अप्रूवल कब लगता है, ये सवाल है। दो जगह पे सीजी अप्रूवल लगता है, 196 में अगर आप शेड्यूल 5 को कंप्लाई नहीं कर रहे, और दूसरा अगर उसका 70 के अबव है और आपका जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन फेल हो चुका है तो ऑर्डिनरी प्लस सीजी अप्रूवल लगता है। दो जगह पे सीजी अप्रूवल लगता है इन केस ऑफ, लिख के रखू मैं, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ शेड्यूल 5 और दूसरा एज अबव 70 एंड जीएमएसआर फेल्स,
पर जीएम ओआर पास हो जाता है, ये दो केसेस में सीजी अप्रूवल लगता है 196 में, ठीक है। बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो एग्जामाइन द वैलिडिटी ऑफ एक्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, हाँ जो एक्ट उसने किए है डिसअप्रूवल तक के, हाँ कॉन्ट्रावेंशन किया है तो भी एक्ट वैलिड है, कॉन्ट्रावेंशन में एक्ट वैलिड होते हैं लेकिन रेमुनरेशन इनवैलिड होता है। मैंने ये चीज को क्लास के अंदर बहुत डिटेल में बताया था बच्चों कि अगर आपको डिसअप्रूवल है, डिसअप्रूवल है तो एक्ट ये वैलिड रहेंगे, रेमुनरेशन ये वैलिड रहेगा, मतलब आपने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया पर अप्रूवल नहीं मिला, एक्ट भी वैलिड रेमुनरेशन भी वैलिड, लेकिन कॉन्ट्रावेंशन है तो एक्ट वैलिड रहेंगे रेमुनरेशन इनवैलिड रहेगा। ये मैंने आपको टेबल बना के दिया था लेक्चर के अंदर, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, द अपॉइंटमेंट शॉल बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड शॉल बी फर्दर अप्रूव्ड बाय फर्स्ट जनरल मीटिंग हेल्ड, बोर्ड का ऑर्डिनरी और पहले जनरल मीटिंग का अप्रूवल आफ्टर सच अ बोर्ड मीटिंग, क्लियर है कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद में बोला गया है देखिए अकॉर्डिंग टू 196 कंपनीज एक्ट 21 टू 70 के लिए हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा, लेकिन अबव 70 के लिए हमें जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। लेकिन अगर जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होता तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन प्लस सीजी अप्रूवल अवेल किया जा सकता है फॉर अ पर्सन अबव द एज ऑफ 70 ईयर्स। ये फोर्थ पॉइंट जो है ये हमारे लिए काम का है। साथ में अब शेड्यूल फाइव का पॉइंट कहां पर यह हमें देखना है, आ जाइए। द पर्सन हुज एज इज 21, बोला ठीक है ये तो ठीक है, ये वाला सीजी अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड इन कंप्लायंस ऑफ शेड्यूल फाइव, ये सेकंड वाला है जो हमारे लिए काम का है, क्लियर है सब। एक्ट मेड, और अब ये पांच आठवां पॉइंट, एक्ट मेड पर कॉन्ट्रावेंशन के लिए भी एक्ट वैलिड है और डिसअप्रूवल के लिए भी एक्ट वैलिड है, ठीक है। तो यहां बोला है रेमुनरेशन फॉर द से, हां देखो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये मेंशन करना आपको जरूरी है, स्टार मार्क डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यहां पे बोलना जरूरी है, और सभी के सभी एक्ट टिल द डिसअप्रूवल ऑफ द सीजी विल बी वैलिड एंड रेमुनरेशन फॉर द सेम एक्ट इज नॉट वैलिड इन द केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। ये डिफरेंस मैंने क्लास के अंदर बहुत क्लियरली बताया था, ठीक है। जो क्वेश्चनर के लेक्चर्स देख रहे हैं वो नॉर्मली आपके रेफरल बुक के अंदर देखिए, डिफरेंस शायद आपके बुक में दिया हुआ होगा, क्लियर है कॉन्सेप्ट। लेट्स गो। इन द गिवन केस अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी इज मेड इन अकॉर्डेंस विद 196, बट इट इज नॉट क्लियर दैट वेदर द अपॉइंटमेंट इज मेड इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 5। इफ इन सच अ केस द अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड एज पर शेड्यूल 5, देन अप्रूवल ऑफ सीजी, मतलब ऊपर की ही प्रोविजन नीचे उन्होंने रिपीट करके दी है कि सीजी अप्रूवल दो केसेस में लगेगा। उसके बाद में तो यहां पे आपका ठीक है कैसे कैसे सीजी अप्रूवल लगता है और कॉन्ट्रावेंशन में क्या क्या होगा यह भी प्रोविजन देख रखिए। इतना बड़ा आंसर आपको एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने स्ट्रेट अवे वो तीन पॉइंट लिख दिए कि भैया शेड्यूल 5 के कॉन्ट्रावेंशन में सीजी अप्रूवल, अबव 70 के एज के लिए जीएमओआर प्लस सीजी अप्रूवल और सभी एक्ट वैलिड, ये तीन पॉइंट आपने प्रोविजन में लिखे, तीन पॉइंट आपने नीचे आंसर में लिखे, गेम एक्सप्लेनेशन दे दिया, गेम खत्म। इतना बड़ा आंसर लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है। सो मैं यहां नोट लिख के रखूंगा, नो नीड टू राइट सच अ बिग आंसर चार मार्क के क्वेश्चन के लिए, बिग आंसर राइट रिलेवेंट पॉइंट्स ओनली, ठीक है ये आपने मार्क करके रखना, ठीक है। नो नीड टू राइट द बिग आंसर, राइट द रिलेवेंट पॉइंट्स ओनली, लेट्स गो। ये चीज होने के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर जा रहा हूं। Mr. X was appointed as a managing director for life by article of association of private company incorporated on 1st June 2018. Examine in this connection, can X be appointed as managing director for life? सवाल अच्छा है, हमारे कवरेज एरिया के बाहर वाला सवाल है, तो आ जाइए पढ़ते हैं। पहली बात, मैनेजिंग डायरेक्टर का मैक्सिमम टेन्योर 5 ईयर्स होता है, रीअपॉइंटमेंट भी 5 ईयर्स हो सकता है। There is no concept called appointment of managing director for lifetime unless it is a private company, क्योंकि 196 तो public को applicable है सिर्फ, clear है? ये तो हमने 203 के हिसाब से देखा था ना। So, no company shall appoint, reappoint a person, managing director or full-time director for a term exceeding कितना 5 years. The condition shall apply to all companies, whether public or private, clear है? ये बोला गया है public private दोनों को applicable होगा, मेंशन करके रखा है, बट मैं यहां पर यह बोलना चाहूंगा कि private के लिए as a recommendation है, प्राइवेट के लिए यहां चाहिए तो लिख के रखता हूं, इट इज रिकमेंडेशन, ठीक है आप भी लिख के रखना। एज पर 196(4) द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर फुल टाइम डायरेक्टर ये नीचे दिए गए हैं, कौन कौन से अप्रूवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल, जनरल मीटिंग का अप्रूवल, अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपने शेड्यूल 5 को कॉम्प्लाई नहीं किया तो, फिर उसके बाद में 196(4) नॉट अप्लाइज टू प्राइवेट कंपनी, सिर्फ सबसेक्शन 4 अप्लाई नहीं होता, जो कमिटमेंट ऑफ डिफॉल्ट
वगैरह के सिचुएशन में देखते हैं हम, ठीक है। नीचे इन द गिवन केस डिस्कस एक्स वाज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर लाइफ अकॉर्डिंग विद द आर्टिकल ऑफ द प्राइवेट कंपनी, सच अपॉइंटमेंट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 196(2). फर्दर इफ द प्राइवेट कंपनी विच हैज अपॉइंटेड एक्स एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर हैज कमिटेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर 137, अभी थोड़ा खतरनाक है हा? नॉर्मली प्राइवेट कंपनी को 196 अप्लीकेबल नहीं होता, पर अगर आपने एनुअल रिटर्न का डिफॉल्ट किया है और एनुअल अकाउंट्स का डिफॉल्ट किया है तो आपको 196(4) अप्लीकेबल हो जाएगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर एक्स एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर लाइफ इज नॉट वैलिड। अब यहां पे एक्चुअली नॉट वैलिड बोला है, पर ये नॉट नहीं होना चाहिए, मैं इसको लादर लिखूंगा वैलिड, बिकॉज 196(4) से ही सिर्फ यहां पर एग्जम्पशन है। एक मिनट, होल्ड माई मिस्टेक, हाँ माय मिस्टेक, 196(4) से अपॉइंटमेंट इज नॉट वैलिड बराबर है, क्योंकि 196(4) से ही सिर्फ एग्जम्पशन है, 196(2) से एग्जम्पशन नहीं है, यह अपॉइंटमेंट 196(2) के कॉन्ट्रावेंशन में है, सो अपॉइंटमेंट इज नॉट वैलिड। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ, है ना, नॉट वैलिड ही रहेगा क्योंकि 196(2) के कॉन्ट्रावेंशन में है, समझ में आया। फिर उसके बाद में अगले सवाल पे जाते हैं, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर राम वॉज अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर लाइफ बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रिपीट सवाल है, आपने इसको देख लेना एक बार, ठीक है, सेम ही सवाल है वो। अगला सवाल 7, एडवाइस सुपर स्पेशलिटीज लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर हु हैज मोर देन एज ऑफ 70 ईयर्स, डायरेक्ट सवाल ये, अबव एज ऑफ 70 ईयर्स के लिए जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है और आपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में जस्टिफाई करना है कि ये देखो यहां पे लिखा गया है, मैं मार्क कर दूं, सो अबव 70 ईयर्स के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मेंशन करो कि भैया क्यों उसको अपॉइंट करना चाहते हो। स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, नो सच अ स्पेशल रेजोल्यूशन, तो सीजी अप्रूवल लगेगा आपको, क्लियर कंसेप्ट, विथ अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ जनरल मीटिंग, क्लियर कंसेप्ट, ये चीज को आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे मैं जाता हूं, May 17 का सवाल है, मिस्टर स्मार्ट अ टेक्नोक्रेट एज 71 ईयर्स एंड रिप्यूटेड टू बी अ स्पेशलिस्ट इन रिव्यूइंग द सिक कंपनीज इज बीइंग कंसिडर्ड टू बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डाउनहिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, द कंपनी हैज बीन इनकर्ड अ लॉसेस फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स एंड इट्स इफेक्टिव कैपिटल इज ₹500 करोर्स, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिस्कस, कैन मिस्टर स्मार्ट बी अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिस्पाइट ऑफ ओवर 70 ईयर्स, 500 करोड़ से ज्यादा इफेक्टिव कैपिटल है। अब ये रेमुनरेशन वाला भी सवाल आएगा शायद यहां पे, बिकॉज इफेक्टिव कैपिटल ये नॉर्मली मैनेजरियल रेमुनरेशन सेक्शन 197 में डिस्कस किया है। सो व्हाट इज द प्रोसेस टू बी फॉलोड, और दूसरा व्हाट इज द इफेक्टिव कैपिटल, तो ये जो सेकंड वाला सवाल है ये हम पेंडिंग रखेंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल हम 197 में सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि सेकंड वाला क्वेश्चन 197 का है, क्लियर है आंसर, तो इसको मैं फिलहाल आंसर नहीं करूंगा, ये 197 का जब डिस्कशन होगा तब होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेमुनरेशन, ये भी सेक्शन 197 का सवाल है, हम उस वक्त इसको डिस्कस करेंगे, क्लियर है आंसर, डोंट वरी। अब यहां पे मेंशन किया गया है कि अबव 70 आप अपॉइंट करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो, 21 से 70 के केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अबव 70 के एज के लिए आपको जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन, लेकिन अगर स्पेशल और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मेंशन करो, और अगर अबव 70 स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होता तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विद सीजी अप्रूवल भी चलेगा, क्लियर है कॉन्सेप्ट। बाकी शेड्यूल 5 रेमुनरेशन के हिसाब से मैंने आंसर देकर रखा है, अगर आपने रेमुनरेशन पढ़ा हुआ है ऑलरेडी मैनेजरियल, जो सिर्फ क्वेश्चन या लेक्चर देख रहे हैं, आपने रेमुनरेशन पढ़ा है तो आप इस केस स्टडी को पढ़ सकते हो, लेकिन रेगुलर बैच में अभी तक ये नहीं हुआ है तो हम इसको फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, क्लियर है। बाकी मैं जो क्वेश्चन या डिस्कशन वाले उनको समय देता हूं इसको रीड करने का, गो फॉर इट फास्ट, ठीक है, गो फॉर इट फास्ट।
चलो डन एवरीबॉडी, हो गया सबका। ओके नाइन्थ क्वेश्चन के हम जा रहे हैं, मॉक टेस्ट अक्टूबर 19 का सवाल है। जैसे आपको पता है कि नवंबर 19 तक के सभी सवाल हमने इसके अंदर कवर किए हैं, दिस प्रूव्स दैट। ठीक है, शाइनिंग स्टार्स लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, डील्स इन अ सोल बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एल्यूमिनियम फॉइल्स एंड शीट्स। ड्यू टू इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड लेस डोमेस्टिक कंजम्पशन कंपनी वॉज रनिंग इन टू लॉसेस। मिस्टर चंदर एन एमिनेंट प्रोफेशनल विथ अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट वॉज अपॉइंटेड ऑन अ बोर्ड ऑफ द कंपनी एज अ होल टाइम डायरेक्टर। ही एंजॉयड हिज 75th बर्थडे ऑन द सेम डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। केस भी ऐसा बर्थडे एंजॉय कर रहा है बोले अपॉइंटमेंट के दिन पे, भगवान बचाए इनको। ओके फॉलोइंग द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑथोराइज शेयर कैपिटल वगैरह। अब ये जो नीचे का डाटा, ये जो मैं पढ़ूंगा भी नहीं क्योंकि ये जो नीचे का डाटा दिया है इट इज वोल रिगार्डिंग मैनेजरियल रेमुनरेशन सेक्शन 197 का डाटा है, क्योंकि रेमुनरेशन के लिए हम पेडअप कैपिटल टर्नओवर ये सब चीजें हम रेमुनरेशन के लिए ही देखते हैं। हमारा यहाँ पे कंसर्न सिर्फ ये है कि भाई 75 ईयर्स के एज में क्या हम इसको अपॉइंट कर सकते हैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, इतना ही कंसर्न है। बाकी वो लोग इस डाटा को पढ़े जिनका मैनेजर रेमुनरेशन हो चुका है और जो सिर्फ क्वेश्चन या लेक्चर के लिए यहाँ पे आए हैं। हालांकि अगर आपने यहाँ नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, 197 में हमने इस सेम सवाल को वापस रिपीट भी किया होगा और वहां सफिशियंट नंबर ऑफ सवाल है इस कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियर करने के लिए। ठीक है, सो मैं जाता हूं इसके आंसर के ऊपर। सो यहां अक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह सब दिए हैं। अब क्वेश्चन क्या है, एज टू द वैलिडिटी ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ चंदर एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द होल टाइम पर्सन इन शाइनिंग स्टार लिमिटेड, कंप्यूट इफेक्टिव कैपिटल। ये 197 वाला है सो इसका आंसर हम नहीं करने वाले। ये 3 वाला भी 197 वाला है सो इसका भी आंसर नहीं। सो क्या ये 75 ईयर्स ऑफ एज में अपॉइंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके लिए हमें एक तो जनरल मीटिंग का स्पेशल लगेगा, कभी 10वीं 15वीं बार देख रहे हैं, या फिर जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी प्लस सीजी अप्रूवल। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, ये चीज को समझना। नीचे कंप्यूटेशन वगैरह दिया है तो आप चाहिए तो पढ़ सकते हो जिनका हो चुका है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, 203 के क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर ईगर इज एमडी ऑफ गुडविल लिमिटेड, ही इज ऑल्सो सीईओ ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू बिकम एमडी एट सनशाइन लिमिटेड। सवाल बहुत अच्छा दिख रहा है। मिस्टर ईगर इज एमडी ऑफ गुडविल लिमिटेड, गुडविल का ऑलरेडी बंदा एमडी है बच्चों, ही इज ऑल्सो सीईओ एट सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू बिकम एमडी एट द सनशाइन लिमिटेड। सनशाइन लिमिटेड में बंदे को एमडी भी बनना है। मेनी शेयर होल्डर्स ऑफ द गुडविल लिमिटेड कंटेंडेड दैट मिस्टर ईगर कैनॉट बी एमडी एंड सीईओ एट द गुडविल लिमिटेड एंड सब्सिडरी कंपनी एट द सेम टाइम। Mr. Eager cannot be MD in the position of Sunshine Limited at the same time. ठीक है, तो बोला है कि गुडविल में वो MD और CEO नहीं बन सकता। अब गुडविल में MD और CEO at the same time नहीं बन सकता, तो MD और CEO ये normally practically possible नहीं at the same time बनना, पर इसके ऊपर कोई prohibition नहीं है। तो पहली बात तो ये quite disputed है, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग author के views मिलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से MD और CEO बनना is थेरोटिकली पॉसिबल, थेरोटिकली अलाउड, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। दूसरा, सनशाइन में एमडी बन सकता है क्या वो? तो बोर्ड मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन पास कर लो, दूसरी कंपनी में आप एमडी बन सकते हो। स्टेट द कंटेंशन ऑफ शेयर होल्डर इज राइट और रॉन्ग। तो देखो नीचे आंसर में क्या बोला है, पर्सन कैन बी डब्ल्यूटी के एमपी इन अ कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी, वन पर्सन कैन बी एमडी इन मैक्सिमम टू कंपनीज एट द सेम टाइम बाय पासिंग अ यूनानिमस रेजोल्यूशन एट द सेकंड कंपनी। Eager is already MD in Goodwill Limited, want to be CEO at the subsidiary is allowed as per 203. Eager wants to be hold a second MD position in Sunshine Limited, 203 BMUR से allowed है। Both the contention of shareholder are invalid in law, provided necessary approval of the appointment are passed. For the appointment, ये suggestion है, suggestion खास है, for appointment, MR1 और MR2 आपने याद रखना है। Clear है concept? Question अच्छा था, ध्यान देना। 11वां सवाल है November 6 का। अच्छा, ये ऊपर वाला सवाल मैं नहीं बनाया है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, लेट्स गो। 11वां सवाल नवंबर 6 वाला, मिस्टर एक्स वाई जेड इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड पीक्यूआर लिमिटेड। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के लिए हमने 12 से 14 केसेस लिए थे, अगर आपको याद होंगे उसके हिसाब से मैंने आंसर दिया है। अगर क्वेश्चन ईयर वाले स्टूडेंट है तो उन्होंने मेरे ये 12 से 14 केसेस अगर मेरे किसी स्टूडेंट से आपको मिल रहे होंगे तो प्लीज एक बार रेफर कीजिएगा, काफी काम की चीज है। ठीक है, नाउ एक्स वाई जेड इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मिस्टर एबीसी एंड पीक्यूआर, ठीक है, लिमिटेड, डिसाइड द अपॉइंटमेंट, अपॉइंट हिम एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी।
स्टेट द लीगल रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 टू गिव इफेक्ट टू द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर एक्स वाई जेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड. ठीक है, सो दो जगह पे मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना है, सिंपल सी बात है. ऑलरेडी एमडी और मैनेजर इन वन कंपनी, दूसरे कंपनी में एमडी मैनेजर बनना है, बीएमयूआर. क्लियर है. वन इंडिविजुअल कैन होल्ड टू ऑफिसेस ऑफ एमडी और मैनेजर व्हाइल पासिंग अ बोर्ड मीटिंग यूनानिमस रेजोल्यूशन शैल गिव अ नोटिस टू ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. 175 रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं चलेगा. फिलहाल आपको 175 नहीं समझ में आएगा या आगे आएगा, इसको पेंडिंग रखिए. क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ, है ना. ऑलरेडी मैनेजिंग डायरेक्टर है, दूसरी जगह पे बीएमयूआर से मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है, सेम एक्सप्लेनेशन में लिखा है. आंसर में भी सेम लिखा है, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग का. अब रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट मैं आपको देने वाला हूं रेगुलर बैच में, एट द ड्राफ्टिंग चैप्टर का. जब हम ड्राफ्टिंग चैप्टर लेंगे उस वक्त मैं आपको इसका रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट लूंगा. जो क्वेश्चन एयर वाले स्टूडेंट है सिर्फ वो ये रेजोल्यूशन पढ़ के देखे. हाँ, रेगुलर वाले भी पढ़ ले तो भी अच्छा है. नॉर्मली इसका फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ रेजोल्यूशन पहले लिखते हैं, फिर टाइप ऑफ रेजोल्यूशन और टाइप ऑफ मीटिंग ये मेंशन करना, फिर रिजॉल्व डेट से शुरू करते हुए लिखना. एक बार आप इसको रीड कीजिए, रीड करोगे तो अच्छा रहेगा. गो फॉर इट फास्ट. चलो, पढ़ना हो गया सबका रेजोल्यूशन. चलो आगे बढ़ते हैं.
12th क्वेश्चन आरटीपी 17 का, मिस्टर एक्स इज अ वोल्ट टाइम डायरेक्टर इन अ सुपर लिमिटेड, ही इज आल्सो वोल्ट टाइम डायरेक्टर इन अ सब्सिडियरी कंपनी, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ मिस्टर एक्स एज अ वोल्ट टाइम डायरेक्टर इन सब्सिडियरी कंपनी। हो सकता है अगर उन्होंने बोर्ड का यूनानिमस पास किया है तो हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर सब्सिडियरी में तो वैसे ही अलाउड है। ना बेटा, अगर एमडीशिप है तो सब्सिडियरी में भी यूनानिमस रेजोल्यूशन लगेगा। सो यहां लिख के रखो, यूनानिमस रेजोल्यूशन बीएमयूआर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन सब्सिडियरी, बीएमयूआर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन सब्सिडियरी। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना। चलो, ये चीज होने के बाद में अगले कंटेंट के ऊपर जाते हैं। ध्यान देना, बड़े अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना। 13th आरटीपी 16 का सवाल है, मिस्टर डब्ल्यू हैज बीन अपॉइंटेड एज अ वोल्ट टाइम डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी विच हैज हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 20 करोड़। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट विच लेड टू ऑफिस ऑफ अ वोल्ट टाइम की मैनेजर पर्सन वैकेंट। ठीक है, स्टेट द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट विद रिगार्ड टू फिलिंग अ कैजुअल वैकेंसी ऑफ केएमपी। ठीक है, मिस्टर डब्ल्यू वॉज अपॉइंटेड एज अ वोल्ट टाइम डायरेक्टर, डब्ल्यू ये वोल्ट टाइम डायरेक्टर था। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, कैजुअल वैकेंसी हुआ, कैजुअल वैकेंसी फिलअप करना है। डब्ल्यूटीडी का कैजुअल वैकेंसी हम 203 में नहीं, हम 161(4) में फिलअप करते हैं। मुझे एक बार सवाल है कि यहां पे आंसर में मैंने 203 दिया है, 161(4) दिया है। नहीं, ये आंसर सही नहीं है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप इस आंसर को काट दीजिए, हालांकि इंस्टीट्यूट के हिसाब से आप इस आंसर को काट दीजिए और यहां पे लिखिए रिलेवेंट फॉर 161(4)। ठीक है, 161(4) में इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, रिलेवेंट फॉर सेक्शन 161(4)। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, ना, ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, हमने आंसर काट दिया है, 161(4) में देखेंगे। 14 सवाल, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ की मैनेजर पर्सन एज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल कंपनीज एक्ट 2013। एक्सप्लेन द क्लासेस ऑफ द कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड होल टाइम की मैनेजर पर्सन। डायरेक्ट सवाल है। ठीक है, अब इसके अंदर की मैनेजर पर्सन मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनके एक लेवल नीचे। की मैनेजर पर्सन का यहां पे मीनिंग नहीं दिया है, पर मैं लिख के रखूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड वन लेवल बिलो आर की मैनेजर पर्सन, इनको हम की मैनेजर पर्सन कहते हैं। ये चीज को आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट सवाल था इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अच्छा, सब क्वेश्चन खत्म ही हो गए। तो यहां पे 196-203 डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर के सभी सवाल होते हैं खत्म। सो क्वेश्चन है डिस्कशन वाले, आपका डिस्कशन यहां पे 196-203 का खत्म होता है, यहां पे फिनिश होता है। रेगुलर बैच वाले जस्ट 2 मिनट के लिए वेट करना।